नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं संचिता मंडल, द एकेडमिक काउंसिलर ऑफ पाइस एडुकेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाल की वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड रिनाउंड कॉलेज मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज इंडियन बच्चे के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमबीबीएस डेस्टिनेशन होता है। तो इस वीडियो में मणिपाल मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाई टू चूज मणिपाल मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, मणिपाल मेडिकल कॉलेज नेपाल का सबसे पुराना कॉलेज है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1994 में। तो इस कॉलेज काफी पुराना है, काफी वेल फिनिश्ड है। मणिपाल मेडिकल कॉलेज पोखरा में लोकेटेड है और इस कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। पोखरा एक ऐसा जगह है जहां पर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक जगह है और यहाँ का एटमोस्फेयर बहुत ही अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है, जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसेस होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए पीस ऑफ माइंड का जरूरत होता है, तो उस हिसाब से यहाँ का जो सिचुएशन है एनवायरनमेंटल वो सूट करता है। इस कॉलेज WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NMC नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। और इस कॉलेज में सबसे अहम चीजें ये है कि नेपाल एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट को कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट नेपाल में जा सकते हैं, वहां जाके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर देख के भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी है, अफोर्डेबल फीस के अंदर आप MBBS का पढ़ाई कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि नेपाल में सिर्फ इंडिया के बच्चे ही जाते हैं पढ़ाई के लिए MBBS करने के लिए, बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं MBBS पढ़ाई के लिए, जैसे कि UK, US, श्रीलंका का बच्चे भी यहाँ पे आके आते हैं MBBS पढ़ाई करने के लिए। और सबसे अहम चीजें जो है वो है यहाँ का जो करिकुलम है वो ग्लोबल बेसिस का करिकुलम होता है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मणिपाल मेडिकल कॉलेज के टोटल दो कैंपस है, एक कैंपस जो कि पोखरा में लोकेटेड है जहां पर टीचिंग कॉलेज सिचुएटेड है। तो इस टीचिंग कॉलेज के अंडर 700 बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है और पोखरा से ओनली 4 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है। दूसरा जो कैंपस वो फुलबारी में लोकेटेड है और वहां का जो पेशेंट इनफ्लो होता है, वहां पे बहुत ही अच्छा पेशेंट इनफ्लो होता है और वहां पे 700 बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो पहला कैंपस में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और दूसरा जो कैंपस है जो फुलबारी में है उसी में सीनियर स्टूडेंट्स रहता है, जैसे कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का स्टूडेंट्स रहता है, प्रैक्टिस करता है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज बहुत ही मॉडर्न है, वेल इक्विप्ड होने के वजह से यहाँ का पेशेंट इनफ्लो इतना ज्यादा है कि यहाँ के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है ताकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। नेपाल में जो लैंग्वेज चलता हुआ है नेपाली, इंग्लिश और हिंदी, यहाँ का 94% जो लोग है, लोकल लोग, वो 94% लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी बोल भी पाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही अच्छी तरह से होता है, तो ताकि वहाँ उनका जो पेशेंट एक्सपोजर है वो अच्छे से मिलता है और बहुत ही स्किल उन्होंने अर्न भी करते हैं। और रहे बात फूडिंग की, तो फूडिंग यहाँ पे इंडियन जो फूड है, इंडियन जो कुक है, सभी अवेलेबल है और दिन भर 4 टाइम यहाँ पे फूडिंग मिलता है। तो फूडिंग हाइजीन के हिसाब से बहुत ही ध्यान किया जाता है और फूड देने के पहले एग्जामिन करके स्टूडेंट को दिया जाता है। तो फूडिंग के हिसाब से बहुत ही सेफ एंड सिक्योरिटी स्टेप यहाँ का जो अथॉरिटीज है वो लेते हैं। दोस्तों, मणिपाल मेडिकल कॉलेज में टोटल 100 सीट्स रहता है MBBS पढ़ाई करने के लिए। तो ये टोटल सीट में से 50 सीट्स फॉरेन सीट के हिसाब से रखा जाता है।
रिजर्व रहता है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पर एडमिशन होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मणिपाल मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल के बारे में। मणिपाल मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स अलग अलग होता है और गर्ल्स हॉस्टल में 24 आवर्स सिक्योरिटी मौजूद रहता है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही सेफ रहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर मणिपाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज बहुत ही अच्छा है, आप सभी ने जानते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट मणिपाल मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज की सबसे अच्छी जो चीजें है वो है यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का क्लियर इंफॉर्मेशन दिया जाते हैं और इस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स है 800 स्टूडेंट्स। इंडिया में जो एजुकेशन पैटर्न फॉलो होता है बिल्कुल सेम एजुकेशन पैटर्न मणिपाल मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है और यहाँ पे बिल्कुल सेम ऑथर्स का सेम बुक्स फॉलो किया जाता है। इंडिया में जो सब्जेक्ट है जैसे कि एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल सेम बुक्स यहाँ पर फॉलोअप होता है। यहाँ का FMG मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का जो पासिंग रेशियोज है वो बहुत ही अच्छा है एंड नेपाल का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट में से ये कॉलेज एक है। दोस्तों आप सभी ने जानते हैं कि FMG का जो एग्जामिनेशन होता था अभी 2023 से नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि नेशनल एक्सिट टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो मणिपाल मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट्स ने ना कि FMG का और नेक्स्ट एग्जामिनेशन अटेंड करते हैं, बल्कि उन्होंने USMLE PLAB जैसे जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी एलिजिबल होता है और इस एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चीजें आता है वो है PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो मार्क्स है वो 50% इज द एग्रीगेट मार्क्स और नीट का जो रिक्वायरमेंट मार्क्स होता है वो है 138। आप सभी ने जानते हैं कि 720 के अंदर इसी साल जो मिनिमम कट ऑफ आया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 138 है और रिजर्वेशन यानी कि OBC के लिए 108 है। बट ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नेपाल एडमिशन के लिए कोई रिजर्वेशन कोटे का मार्क्स नहीं लगता है, ओनली जो जनरल कोटा का मार्क्स है 138 उस हिसाब से ही यहाँ का एडमिशन होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है नेपाल में इंडिया के जैसा हर साल नीट एग्जामिनेशन देना होता है उसी हिसाब से नेपाल का जो मतलब एडमिशन होता है इसी प्रोसीड्योर फॉलोअप होता है। बट एक जो अपॉर्चुनिटी आया है वो है लास्ट ईयर में जिस स्टूडेंट का नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स था बिल्कुल 147 था तब मार्क्स मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसी मार्क्स रहना चाहिए तो उस स्टूडेंट का भी एडमिशन होने का चांसेस है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करके हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा अगर आपको नेपाल मणिपाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। और एक चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी ने जानते हैं कि नेपाल का एडमिशन एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है जैसे कि इंडिया में नीट होता है, ठीक है वैसे ही नेपाल में MECE का एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन होता है। मगर आप अगर नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट नीट का जो मार्क्स मिला है मिनिमम जो मतलब रिक्वायरमेंट मार्क्स है 138 उसी हिसाब से ही आपको एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है नेपाल में। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू गो नेपाल फॉर MBBS एडमिशन। तो आप डायरेक्ट फ्लाइट में काठमांडू से जा सकते हैं और बाय ट्रेन आप रक्सौल से भी जा सकते हैं। और मणिपाल मेडिकल कॉलेज का जो सुपर फैसिलिटीज है वो है मणिपाल मेडिकल कॉलेज में
एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद 1 ईयर का जो इंटर्नशिप पीरियड रहता है उस इंटर्नशिप पीरियड आप वहाँ पर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मतलब इंटर्नशिप पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं और एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कि हमारा जो अथॉरिटी है, रिप्रेजेंटेटिव है, मणिपाल मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सुदीप नायक, उन्होंने आ रहे हैं। आप अगर स्पॉट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस का जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8001192700 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन भी ले सकते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड नमस्कार।